क्लास टेंथ के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय के टॉप 10 MCQ यानी टॉप 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चित्रकला विषय में इस बार 20 प्रश्न, कितने 20 प्रश्न, यानी प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे, जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी राज तिवारी जी ने कमेंट भी किया था कि सर हमें चित्रकला विषय से भी संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को बता दीजिए, तो मैं आज आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए, आप सभी के प्यार और आप सभी के स्नेह को ध्यान में रखते हुए चित्रकला विषय के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो मॉडल पेपर है चित्रकला विषय का, यहां पर आप देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, और इस मॉडल पेपर में लिखा हुआ है खंड का के अंतर्गत निर्देश दिया गया है यहां पर कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, और जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपने चित्रकला विषय को चुना है, इसलिए आप चित्रकला विषय को जो 20 प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी, उन्हीं प्रश्नों का आंसर आलेखन कला यानी चित्रकला जो विषय है इसी से संबंधित जो 20 प्रश्न होंगे, इन्हीं प्रश्नों का आंसर आपको OMR सीट में भरना होगा। यहां पर लिखा भी है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। आपको अंकित भी करना होगा कि आपने प्राविधिक कला लिया है या फिर आलेखन कला लिया है। तो ज्यादातर विद्यार्थी चित्रकला के साथ आलेखन कला ही लेते हैं, यानी चित्रकला आलेखन कला ही है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में आलेखन कला से संबंधित, यहां पर आप देख पा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों का आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। आप प्राविधिक कला ज्यादातर नहीं लेते हैं विद्यार्थी, तो आलेखन कला से संबंधित 20 प्रश्नों का ही आंसर आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहां पर मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय के महत्वपूर्ण टॉप महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। पहला विकल्प दिया गया है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा विकल्प है लाल और चौथा है पीला। तो यहां पर निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाल रंग जो होता है गर्म प्रकृति का होता है, यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको OMR सीट में कैसे फिल करना है, यहां पर तीसरा सही है तो पहले का तीसरा यानी सी वाला जो गोला होगा उसको आपको ब्लैक पेन से यानी काले पेन से काला कर देना है। तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। दिए गए विकल्पों में से कौन सी पेंसिल से यदि आप रेखा बनाते हो तो सबसे अधिक काली होगी। यहां पर है पहला विकल्प HB पेंसिल, दूसरा है H पेंसिल, तीसरा है 2B और चौथा है 2H। तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या है कि जो 2B पेंसिल होती है इससे यदि रेखा बनाई जाती है तो क्या होती है, सबसे अधिक काली होती है। अगला प्रश्न संख्या यहां पर तीसरा है क्या कि किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है सामंत सिंह, दूसरा है विकल्प बिशन दास, तीसरा है हरिदास और चौथा है असित कुमार हलदार। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे, राइट आंसर है सामंत सिंह जी थे। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दें और आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें, यदि आप भी लाना चाहते हो
2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक या 70 में से 70 अंक, तो आप अपनी प्रत्येक विषय की प्रॉपर नोट्स बनाओ और साथ ही अपना रिवीजन भी करते रहो। यदि आप नोट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2023 बोर्ड परीक्षा में। जैसा कि आप सभी को मैं जाहिर कर दूं, बता दूं, जानकारी दे दूं, आज है संडे और आज हो चुका है 20 नवंबर। जी हां, 20 नवंबर बीत चुका है। अब आपको क्या करना है, तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जनवरी माह में आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं जिसके मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा और कल ही मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, साथ ही फुल सॉल्यूशन के साथ। आप जरूर वीडियो को देखिएगा, सुबह आपको वीडियो मिलेगी। यहां पर अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 4, दूसरा है 5, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 6। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, 4। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, यानी कुल कितने रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान प्रश्न, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। यहां पर पहला विकल्प है 5, दूसरा है 9, तीसरा है 7 और चौथा विकल्प है 10। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 होते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, जब आप सभी ने इंद्रधनुष देखा होगा तो आपने पता भी किया होगा, आपने देखा है तो आपको जानकारी भी है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल सिंपल ही प्रश्न आएंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे चित्रकला विषय के पेपर में, और आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो क्योंकि यही प्रश्न आने हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और जो भी महत्वपूर्ण होंगे अन्य प्रश्न भी, उनसे भी रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। मैं आपसे शुरुआत से ही कह रहा हूं कि यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान यानी SST की तैयारी कर सकते हो, हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान होम साइंस की भी तैयारी कर सकते हो, और साथ ही साथ चित्रकला यानी ड्राइंग विषय की भी आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। इन विषयों की मैं गारंटी लेता हूं आप सभी की 2023 बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कराने की। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े और इन सभी में यदि आप भी लाना चाहते हैं 70 में से 65 प्लस या 70 में से 70 अंक, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, हरा रंग कौन सा है, हरा रंग कौन सा है। यहां पर पहला विकल्प है प्राथमिक है, गर्म है, या तटस्थ है, या द्वितीयक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरा रंग जो है यह कैसा रंग है, प्राथमिक रंग है। यहां पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर अगला है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि शीतल रंग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप जरूर नोट कर लीजिएगा और आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है पीला, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा है हरा। तो शीतल रंग कौन सा होता है या कौन सा है दिए गए विकल्पों में से, राइट आंसर है जो हरा रंग है। यह कैसा रंग है, हरा रंग जो होता है शीतल रंग है, और हरा रंग कौन सा रंग है, प्राथमिक रंग है। यहां से दोनों ही प्रश्नों को आप कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी, यानी जो ताड़ के पत्ते होते थे और उन ताड़ के पत्तों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी। यहां पर पहला विकल्प है अजंता शैली में, दूसरा है जैन शैली में, तीसरा विकल्प है मुगल शैली में और चौथा विकल्प है बौद्ध शैली में। तो जो ताड़ के पत्ते थे उन पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी, इसका राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
जैन शैली में, यानी दूसरा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। जैन शैली में ताड़ पत्रों पर पेंटिंग की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जो ठंडे रंग माने जाते हैं या कहे जाते हैं। तो यहां पर पहला विकल्प है हरा नीला, दूसरा विकल्प है लाल पीला, तीसरा यानी गा वाला विकल्प है यहां पर नीला और लाल, घा वाला विकल्प है काला सफेद। तो निम्न लिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा और नीला जो रंग होता है इसकी प्रकृति क्या होती है या यह किस प्रकार का रंग है। ये दोनों रंग ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं, यानी ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि कला शब्द किस भाषा से संबंधित है। कला शब्द जो है यह किस भाषा से संबंधित है। तो यहां पर पहला विकल्प है संस्कृत भाषा से, दूसरा विकल्प है हिंदी भाषा से, या तीसरा विकल्प है अंग्रेजी भाषा से, चौथा विकल्प है मराठी भाषा से। तो कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, इसका राइट आंसर है हिंदी से, यानी हिंदी भाषा से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी राज तिवारी जी, आप सभी से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप अपनी नोट्स बनाएं, इन प्रश्नों को जरूर नोट करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपने नोट्स बनाई है या नहीं बनाई है। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी नोट्स बनाएं, कमेंट करके बताएं मुझे, और आप कहां से हैं यह भी आप कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और आप सभी मेहनत के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।